चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स की चैप्टर, पहला चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसमें से एक क्वेश्चन लिया हूँ, ये आपकी बोर्ड पे है। क्या दिया है देखो, विद्युत विभव की परिभाषा लिखने के लिए कह रहा है, साथ में मात्रक तथा विमाएं, ये दोनों चीज निकालने के लिए कह रहा है। ठीक, तो पहले परिभाषा मैंने यहाँ पे लिख करके रखा, इसको समझाऊंगा मैं, एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद उसकी मात्रक निकालूंगा, फिर विमाएं निकालूंगा। देखिए परिभाषा क्या बोल रहा है यहाँ पे, उत्तर में विद्युत विभव क्या बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव परीक्षण आवेश क्यू नॉट के अनंत से बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश क्यू नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ऐसे परिभाषा आप कुछ समझ नहीं पाओगे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक चीज, तब आपको क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है देखिए, विद्युत क्षेत्र, पहले विद्युत क्षेत्र का आपको समझ में आना चाहिए। विद्युत क्षेत्र होता क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जब कोई स्टैटिक चार्ज मतलब रुका हुआ चार्ज को रखे, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक चार्ज प्लस चार्ज क्यू को रखा, प्लस चार्ज क्यू को रखते हैं तो उसके चारों तरफ क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होते हैं। तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं, ऐसे ऐसे क्या हुआ, फील्ड निकला। क्यू से क्या हो गया हमारा यहाँ पे, फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेटर इलेक्ट्रिक। अब मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र कहाँ तक है हमको पता नहीं है, मेजर तो नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ इतना जानते हैं, प्लस चार्ज से जैसे जैसे दूर जाएंगे उसकी इंटेंसिटी मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, कम होते जाएगा। ठीक ना, तो मान लीजिए ये एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक, इसको मैंने इमेजिन कर रहा हूँ, एक बाउंड्री है। अब बोला क्या है देखो, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव परीक्षण आवेश क्यू नॉट कहाँ से लेके आ रहा हूँ, अनंत से। ये क्यू नॉट को कहाँ से लेके आ रहा हूँ, अनंत से। मान लीजिए यहाँ पे एक क्यू नॉट चार्ज है, अनंत में है, कहाँ पे लेके आना है इस क्यू नॉट को, इस विद्युत क्षेत्र पे किसी बिंदु पे लाना है। मान लेते हैं हम यहाँ पे एक पॉइंट है ए, ठीक, इस चार्ज को कहाँ से लाया मैंने, अनंत से, कहाँ पे लाया, यहाँ पे लाया। तो ये अनंत से, अनंत मतलब इन्फिनिट होता है ना, अनंत में से कहाँ पे लाया मैंने, ये पॉइंट पे। अब बताओ ये आवेश है कि नहीं, ये भी आवेश है। यहाँ पे क्या बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई बन चुका है। तो ई और क्यू नॉट के बीच में फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वो फोर्स बराबर क्या होता है, एफ बराबर ई इंटू क्यू नॉट, फोर्स लग रहा है। तो ये प्लस चार्ज के वजह से ये क्यू नॉट के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अब मेरे को ये क्यू नॉट को लाना है इधर और भी पास में लाना है, तो इधर इसको ढकल रहा है इस तरफ और हमको लाना है, तो इसको लाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है देखो, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव मतलब विद्युत विभव को किस में दर्शाते हैं, वी से, वी ए, ये पॉइंट में विद्युत विभव निकाल रहा हूं मैं, परीक्षण आवेश कौन है, क्यू नॉट को अनंत से विद्युत तक लाने, बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W, तो क्या हुआ W बाई क्यू नॉट। ये पॉइंट में विद्युत विभव तब कितना हुआ, W बाई क्यू नॉट। क्यों W बाई क्यू नॉट हुआ, क्योंकि हमने क्यू नॉट को कहां से लेके आ रहे थे, अनंत से, किस बिंदु पे लेके आ रहे थे, ए बिंदु पे। ए बिंदु पे लाने के लिए हमको कार्य क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे इस आवेश के ऊपर क्या लग रहा था, बल लग रहा था, इसलिए हमने कार्य किया। तो वो जो कार्य किए वो क्या होता है, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव क्या हुआ, W बाई क्यू नॉट, दोनों का अनुपात है कि नहीं। अब ये कब बराबर होंगे W के साथ, ये जब Q नॉट कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो V बराबर क्या होगा, W। जितना कार्य किया वो किसके बराबर हो जा रहा है, विद्युत विभव के बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ पे परिभाषा वही बोला है देखो, विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु कौन है, ए, विद्युत विभव कौन है, वी ए, परीक्षण आवेश कौन है, क्यू नॉट को कहां से ला रहा हूं, अनंत से, बिंदु तक, इस बिंदु तक लाने पे किए गए कार्य, यहां से यहां तक लाने पे कार्य किया मैंने, तथा परीक्षण आवेश क्यू नॉट की अनुपात। देखो कार्य और क्यू नॉट की अनुपात के बराबर होते हैं, यही चीज तो बोला है परिभाषा, समझ में आया कि नहीं। अब मान लो ये पॉइंट में था तो उसकी विद्युत विभव कितना था, वी ए। अब मान लो ये से मैंने बी पॉइंट पे लाया, तो यहाँ पे भी होगा, ये जो भी होगा इसकी विद्युत विभव अधिक होगा कि ए पॉइंट का भी अधिक होगा, मतलब कहने का मतलब हमारा भी ये बड़ा होगा कि भी बड़ा होगा, भी बड़ा होगा।
क्यों बड़ा होगा? क्योंकि जैसे जैसे मैं पास में आऊंगा, इसकी इंटेंसिटी, इस चार्ज के वजह से जो विद्युत क्षेत्र बना है उसकी तीव्रता क्या होगा? अधिक होगा, तो अधिक फोर्स लगेगा, तो अधिक क्रिया करना पड़ेगा इसे, समझा? तो वी ए से वी बी बड़ा होगा, ये तो परिभाषा था। इसके बाद हमको क्या निकालना है? इसकी मात्रक निकालना है। तो मात्रक निकालने के लिए बताओ, वी बराबर डब्ल्यू का यूनिट क्या होता है? डब्ल्यू क्या होना है? ऐसा यूनिट निकालने जा रहा हूं मैं, ऐसा ही यूनिट ऑफ किसका निकाल रहा हूं? वी की। डब्ल्यू का क्या होता है? जूल होता है, तो क्या लिखेंगे हम? जूल। क्यू का क्या होता है? कूलोम, जूल पर कूलोम, समझे कि नहीं? ये हमारा किसका मात्रक निकल गया? विद्युत विभव का। आप क्या निकालना है मेरे को बताओ इसमें? बीमाएं। तो बीमा निकालने के लिए मैं कितने, किसका हेल्प लेंगे? इसी का ही हेल्प लेंगे। तो आप बताओ W का बीमा क्या होता है? W का बीमा होता है जो F का था बीमाएं, उसमें और एक L ऐड कर देना होता है, तो क्या होगा? M L2 T की पावर माइनस टू, कहां से आया अभी बताऊंगा मैं। फिर Q नॉट का क्या होगा बताओ? A T, अभी अभी हमने बताया हूं। अब यहां पे बताओ, ऊपर जब लेके जाए हम, क्या होगा? M L2, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस टी, ऊपर में जाएगा तो एक माइनस होगा, तो माइनस टू ऑलरेडी था, ये क्या हो जाएगा? माइनस थ्री। अब डब्ल्यू का एम एल टू टी टू माइनस क्यू हुआ। देखो मैं यहां पे बताता हूं, डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ इंटू एस, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का इससे पहले वाला वीडियो में हम बता चुके थे क्या होता था? एम एल टी की पावर माइनस टू। एस मतलब किस में मेजर करेंगे? लंबाई में। तो क्या हो जाएगा बताओ? एम एल एल जुड़ के कितना हुआ? एल टू टी की पावर माइनस टू। तो कहने का मतलब फोर्स जो रहता है उसमें और एक एल बढ़ा देना, फोर्स की डायमेंशन में एक एल को बढ़ा दो, वो किसका बन जाता है? कार्य का बन जाता है। और यहाँ पे पुट करके कर दो, ये डायमेंशन आ जाएंगे। ये किसकी डायमेंशन है? विद्युत विभव की, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विमाएं है।